लेकिन छाई को भी तो हम दिखा रहे हैं ना। चंदन चंचल का इससे पहले गाना आया था तो नहीं दिखाए हैं? चंदन चंचल का इससे पहले गाना आया था, टिकुलिया वाला नहीं दिखाए थे? मेरा दिखाए हैं कि उनका कि ढोड़ी चटवा बड़ा भाता रात भर ढूंढिए चटले बड़ा। क्या है ये गाना? ये मतलब आप ये ढोड़ी चटना को देख करके, ढोड़ी छील दा को देख करके, कैसा तो नहीं कि आप भी वही कार्यक्रम जारी कर दिया? भूत बड़ा चुतिया राज भाई को मानेंगे कि भोजपुरी से ही उसका सब कुछ चलता था। जिस मुंह से वो बोले है ना कि वो लोग कुत्ते की तरह लड़ते हैं, पवन सिंह इज द ग्रेट इन भोजपुरी, मैं मानता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ गुड्डू राज तिपल सेवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और बीएफसी न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर नीरज निराला जी, जिनको आप झिझिया स्टार के नाम से भी जानते हैं। आइए इनसे जानते हैं अभी देवी गीत का कौन कौन सा गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कब तक हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है। नीरज जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन बीच में रोक दिया आप, यही गलत है। हाल ही में आपका मैं एक पोस्ट देखा हूँ जहाँ पे मुझे देखने को मिला है कि भतरा चटना बा ये सब मतलब क्या है? ये क्या गाना आखिर क्या है? मैं चाहूंगा इस पे वो कुछ, अभी ये गाना रिलीज होने वाला है, क्या है ये गाना? ये मतलब आप ये ढोड़ी चटना को देख करके, ढोड़ी छील दा को देख करके, कैसा तो नहीं कि आप भी वही कार्यक्रम जारी कर दी? नहीं, मेरा बात सुनिए, गाना अश्लील है या नहीं जो अभी आपका हाल ही फिलहाल में रिलीज होने वाला है भतरा चटना बा? नहीं, आएगा गाना आएगा, लेकिन अब जो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, क्या है? कुछ लाइन बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? नहीं है कि ढोड़ी चटवा बड़ा भाता रात भर ढूंढिए चटले बड़ा। तो ये गाना आपको अश्लील नहीं लगा? मतलब अभी जैसे चंदन चंचल जी ने अभी गाना लाया था देवरा ढोड़ी चटना बा, उस गाने पे इतना ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज को नहीं किए? तो हुआ। आपको नहीं लगता कि हमारे भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करना चाहिए, इस टाइप के गाने नहीं आने चाहिए? उन लोगों को एक मुद्दा चाहिए, अपने चैनल पे व्यू बढ़ाना। हमें मुद्दा नहीं चाहिए, हमें हमारा भोजपुरी साफ सुथरा चाहिए, हमें मुद्दा नहीं चाहिए। आप साफ सुथरा के लिए लड़े कब हैं ये बताइए? हम हमेशा सर। अच्छा, अगर आपको पता है, अगर ढोड़ी चटना गाने का विरोध नहीं किए होते तो आज उस सिंगर का जो साफ सुथरा गाना सब जो देवी गीत रिलीज हो रहा है अभी, क्या क्या रिलीज होता आपको पता है? अगर उस चीज का विरोध नहीं किए होते, बताऊं? लौटा दे डोलिया भौजी रे, चाहे मार दे गोलिया भौजी रे, कितना बार आप आए हैं इंटरव्यू करने हमको बताइए? कितना बार आए आप इंटरव्यू करने? जो अच्छा है वो तो है ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कभी देखे हैं? आप कभी देखे हैं कि रामायण का ये होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, चाहे भक्ति गाने? अभी से देखिए यूट्यूब पे तिलक कंपनी का यूट्यूब चैनल से रामायण आ रहा है, आप लोग कितना घटिया। वो भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा आ रहा है, इसको देखिए। देखिए, हम कहते हैं भोजपुरी का मीडिया जितना है बिल्कुल घटिया मीडिया है, काहे कि सिर्फ बुराइयों को लेके आ रही है अपना व्यू बढ़ाने के लिए। तो लेकिन छाई को भी तो हम दिखा रहे हैं ना। चंदन चंचल का इससे पहले गाना आया था तो नहीं दिखाए हैं? चंदन चंचल का इससे पहले गाना आया था, टिकुलिया वाला नहीं दिखाए थे? मेरा दिखाए हैं कि अब आपका झिझिया का गाने का नहीं ये करते हैं कि इंटरव्यू करने आए हैं? आपका दिखाए हम अपने चैनल पे ही दिखाए हैं, आपका पोस्टर दिखाए। गाना रिलीज हुआ है लौटा दे डोलिया भौजी रे, चाहे मार दे गोलिया भौजी रे, कौन दिखाया है? हम दिखाए हैं, इसका इंटरव्यू हम किए हैं, हम अपने चैनल पे दिखा दें आपको। नहीं है इसका चर्चा नहीं किया, इसका चर्चा हम किए हैं ना, तो अदर का हम नहीं जानते, हम इस चीज का चर्चा किए हैं ना। सबसे अच्छा है कि आप चले जाइए। अच्छा, हम चले जाए? एकदम, आप ऐसे ही लाइएगा। देखिए, भोजपुरी का जितना मीडिया वाला है ना, सब गलत कर रहा है, इस सब लोग धांधा कर रहा है, धांधा। ये लोग अपने सब्सक्राइबर देख रहे हैं, अच्छा व्यूअर देख रहे हैं, वो सही बात है। चलिए मैं इस, चलिए पैदा हो ये देख रहे हैं, चलिए मैं इस चीज को भी मान लेता हूँ, चलिए इस चीज को मान लेता हूँ। अभी आपको पता है झारखंड का एक राज भाई है जो बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उसके मार्केट में हिट भी हैं, उन्होंने क्या कह दिया आपको पता है? पवन जी और खेसारी जी के बारे में उसने ऐसा कहा है कि पवन जी और खेसारी जी जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, ये लोग हमेशा कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा बात कह दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भोजपुरी के किसी भी कलाकार ने उनके ऊपर लाइव आकर के उनको कुछ नहीं कहा है। अगर हम आज उनको ऐसा ही छोड़ दें तो कल वो हो सके तो उसके देखा देखी दूसरा भी गाली देगा। आप क्या कहना चाहेंगे राज भाई को, क्या कहना चाहेंगे इस बात के लिए? देखिए, राज भाई को हम राज भाई मानते थे ना, तो इस बात से हमें नाराजगी है कि जिस मुंह से वो बोले हैं ना कि वो लोग कुत्ते की तरह लड़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम झारखंडी आदमी, ठीक है तुम्हारे यहाँ भी भोजपुरी बजता है, लेकिन तुमको नॉलेज नहीं है, और दोनों मेरे यहाँ का शेर है, बात समझ गए? हल चलता है तो कभी भी दो मतलब साँड़ का जरूरत पड़ता है, तो एक लेफ्ट और एक राइट, और दोनों हमारा जो शेर है उसके बारे में वो गलत बोले हैं, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो मैं
राज भाई को मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी पब्लिक है, चूँकि वो तो हैं झारखंड के, उनका भाषा थोड़ा तो अलग होगा, चूँकि उनका खोटा भाषा है। देखिए हमारे बिहार में ही मैथिली है, मगही है, कई कई गो भाषा है, हम नहीं जानते हैं, चूँकि मैं भोजपुरी से ही अपना काम करता हूँ, तो बहुत सारा भाषा है। लेकिन वो चुतिया इंसान, बहुत बड़ा चुतिया, जो ये गलत बोल दिया और मिनटों में गलत बोल दिया, बहुत बड़ा चुतिया राज भाई को मानेंगे कि भोजपुरी से ही उसका सब कुछ चलता था और अचानक आवेश में आके इतना गलती बात कैसे बोल दिया। पवन सिंह इज द ग्रेट इन भोजपुरी, मैं मानता हूँ, और ठीक उसके थोड़ा सा नीचे मेरे खेसारी भाई हैं, तो उसको इज्जत करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एक दूसरे के मतलब अपोजिट बता दिया, तो वो गलत है। और असली में, रियल में, जितने भी भोजपुरी सुनने वाले हैं, अगर भोजपुरी के अलावा कोई भी भाषा का आदमी, भोजपुरी है, भोजपुरी वाले अगर गलती बोल देंगे वो माफ़ है, लेकिन भोजपुरी के अलावा भोजपुरी से रिलेटेड कोई भी भाषी आदमी हो, अगर वो भोजपुरी के बारे में गलत बोलेगा तो उसको ऐसी की तैसी। राज भाई को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? उसको मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगेगा फिर भी उसको लोग माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। अभी आपका झिझिया कौन कौन सा गाना हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है जल्द ही? तो झिझिया चल रहा है, TF कंपनी से झिझिया चल रहा है। और इसके बाद कौन कौन सा देखने को मिलेगा? देखिए अभी आ रहा है चौकस भोजपुरी पे झिझिया, बहुत ही लाजवाब झिझिया है, वो आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि नीरज निराला जी अभी एक गाना लेकर के आ रहे हैं, जो हाल ही में आपने देखा था देवरा ढोंडी चटवा, अभी इनका भी गाना आने वाला है भतरा रात भर ढोंडी चटलेबा गरम बगरम पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे गाने का सपोर्ट कीजिए और गंदे गाने का विरोध कीजिए, और इस गाने का भी विरोध होगा, जैसे ढोंडी चटना गाने का विरोध हुआ था वैसे इस गाने का भी विरोध होना चाहिए। इस गाने का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।